हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये महाराष्ट्रियन ब्राइडल मेकअप लुक्स, जो कि आप देख सकते हैं। एंड आई मेकअप आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मोकी आई लुक है एंड शिमरी भी है। सो ये है मेरा महाराष्ट्रियन ब्राइडल मेकअप लुक या वेडिंग एस मेकअप लुक आप बोल सकते हैं। सो आप अगर आप जानना चाहते हैं ये मेकअप लुक मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है। सो आप देख सकते हैं मेकअप लुक, एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये मेकअप लुक। तो मैंने अपने स्किन को कर दिया है CTM, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फेस इल्यूमिनेटर एज अ प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को शाइन भी देता है और आपके पोर्स को भी फिल कर देता है, बहुत अच्छा है। सो इसका शेड नंबर है 01। तो आज जिस प्रोडक्ट में यूज़ करने वाली हूँ सभी स्विस ब्यूटी के होने वाले हैं। यहाँ है स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो पैलेट, कंसीलर पैलेट है, और इसका मैंने ऑरेंज शेड लिया है अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। एंड इसका ये जो पैलेट है 03 इसका शेड है, नंबर है। सो सभी के जो मैं यूज़ कर रही हूँ सभी प्रोडक्ट्स की जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूँगी। सो यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। इसके साथ ही मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का प्राइम मूज फाउंडेशन, और मेरा शेड है 04। सो बहुत ही अच्छा ये जो है बहुत अच्छा स्मूथ सा बिल्कुल वेलवेटी टच के साथ है, और इसे देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने वेट ब्लेंडर के साथ अप्लाई किया है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल वेलवेट टच है इसका एंड बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, तो ये बहुत ही अच्छा कंसीलर, इसका शेड है 02। तो अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने इसे अपने फेस पर, जहाँ भी मुझे यूज़ करना है, हाईलाइट करना है अपने एरियाज़ को। तो वेट ब्लेंडर के साथ मैंने इसे ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा आईज़ पर भी अप्लाई किया है। सो ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल मैं आज करने वाली हूँ, और साथ ही साथ ये है महाराष्ट्रियन ब्राइडल मेकअप लुक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, सो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेम कवर स्टूडियो पैलेट से मैं ले रही हूँ ब्रॉन्जर कॉन्ट्यूर, एंड ये बहुत ही अच्छी पैलेट है। सो ब्रश की हेल्प से मैंने इसे इस तरीके से अप्लाई किया है, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है इसका एंड बहुत ही अच्छी पैलेट है। आपको इसमें 8 शेड्स मिले हैं, कंसीलर फाउंडेशन कलर करेक्टर एंड सभी। सो इसे मैं वेट ब्लेंडर से भी कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं अपने बेस को सेट करूँगी स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है, और इसमें दो तरह के पाउडर हैं, एक है शिमरी एक है मैट। सो मैट वाला यूज़ करें, और साथ ही साथ ही स्पंज भी दिया है जो बहुत ही अच्छा है, 2-in-1 है ये, और मेरा शेड है लाइट मीडियम। तो बहुत ही अच्छे से ये आपकी स्किन बेस को सेट करता है एंड आपकी जो भी ऑयल को ये कंट्रोल में रखेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये वाली पैलेट, और इससे मैं ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी इस ब्राउन वाले शेड से, बिकॉज ब्रॉन्जर जो है आप आई शेडो से भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से थोड़ा सा आप डस्ट आउट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि एकदम से ज़्यादा ना लगे। एंड यहाँ पर मैंने अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्जर से जो मेरा कॉन्ट्यूर मैंने अप्लाई किया था उसे सेट कर लिया है। स्विस ब्यूटी की आईब्रो डिफाइनर है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज़ को डिफाइन करती है। स्पूली की हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है। यहाँ पर मैं सेम कवर पैलेट से
कंसीलर लूँगी और अपनी आईज़ पर एक बेस बना लूँगी। सो कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी, देन एक बेस बना लूँगी ताकि आईब्रोज़ को भी शेप अच्छी से मिले एंड जो मैं आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ही खिल कर आए, तो अच्छी से उसके प्रॉपर शेड जो वो नज़र आते हैं अगर आप इस तरीके से कंसील कर लेते कंसीलर अप्लाई करते हैं या अपनी आईज़ पर बेस बनाते हैं। तो वेट ब्लेंडर से इसे सेट कर लिया, देन मैं अपने आईज़ के इसको सेट करने के लिए पाउडर लगा रही हूँ। कोई भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं बेस को सेट करने के लिए इस तरीके से। सो यही पैलेट मैं यूज़ करूँगी, इसका मैं ब्लू कलर लूँगी और अपनी फुल आईलिड पर अप्लाई करूँगी। ये लाइट शेड है, सो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ। सो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे फुल आईलिड पर। उसके बाद मैं डार्क का शेड लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और क्रीज एरिया पर जाऊंगी। सो मैंने पहले ट्रांजिशन शेड यूज़ नहीं किया है, अगर आप बाद में करते तो बहुत अच्छे से आपकी जो आई शेडो है वो ब्लेंड हो जाती है। सो यहाँ मैं ले रही हूँ पिंक शेड बिकॉज मेरी साड़ी में पिंक शेड भी है और बिल्कुल क्रीज एरिया के ऊपर की तरफ मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड फिर एक अच्छी सी ब्रश लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो यहाँ स्विस ब्यूटी का शिमर है, लिक्विड शिमर, तो इसे मैं अपनी पूरी फुल आईलिड पर अप्लाई कर दूंगी एंड इसके बारे में भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सभी प्रोडक्ट अमेजोन पर अवेलेबल हैं। सो अगेन मैं ग्रीन कलर का शेडो लूंगी एंड अपने आईज़ के नीचे की तरफ अप्लाई करूंगी इस तरीके से। इसके बाद मैं लूँगी पिंक शेड एंड दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, मर्ज कर दूँगी दोनों को। यहाँ मैंने अच्छे से इन दोनों को मर्ज कर दिया है और इसकी तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो आई शेडो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाईटेक सुपर लाइन का वाटरप्रूफ लाइनर है और बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो इसे मैंने विंग्स क्रिएट करते हुए लगा लिया है। तो स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ किया है और ये ब्लैक कलर का है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये भी एंड अपर एंड लोअर लैशेज पे इसे अप्लाई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं लैशेज स्किप करना तो इसकी 3 to 4 कोट आप लगा सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ये टिका रहता है, आपकी लैशेज को बहुत अच्छे से फुलर इफेक्ट देता है। सो आई लैशेज मैंने अप्लाई कर ली है रेड चेरी की। तो यहाँ आई मेकअप जो है फुल कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा मैंने अपनी आईज़ में काजल लगा लिया। ये है स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट और इसी से मैं लूँगी हाईलाइट करूँगी अपने ब्राउ बोन को। तो ये है ब्लश एंड हाइलाइटर का शेड नंबर 02 एंड ये ब्लशर का ये वाला शेड जो है कोरल शेड, ये बहुत ही अच्छा एंड वेरी पिगमेंटेड पैलेट है। सो बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही अमेजिंग पैलेट है और बहुत ही अच्छे, आपको बजट फ्री है, सभी प्रोडक्ट आप इजीली परचेज कर सकते हैं एंड यहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को इस तरीके से। इसके बाद आपके पास सेटिंग स्प्रे है तो आप अच्छे से अपने बेस को मेकअप को सेट कर सकते हैं एंड ब्रेड ब्लेंडर से इस तरीके से ब्लेंड सेट कर देंगे बहुत ही अच्छे से। सो स्विस ब्यूटी की मेरे पास लिपस्टिक कोई अवेलेबल नहीं थी बट ये लिपस्टिक स्टिक विकी के बजाय लिप क्रेयॉन है और ये बहुत ही अच्छा शेड है एंड शेड नंबर 11 है हाई ऑन लस्ट, पिंक शेड है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा शेड है। सो एक पिंक कलर की मैंने बिंदी लगाई है और उसके बाद मैं यहाँ ज्वेलरी डाल रही हूँ ताकि मेरा जो महाराष्ट्रन लुक है वो कंप्लीट हो जाए। ये महाराष्ट्रन नथ मैंने कैरी की है, सो आप देख सकते हैं इस तरीके से एंड गले में मैं थोड़ा सा पतला सा सेट और डालूँगी ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो।
सो मैंने ये किया है वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल जो कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट के साथ है। और सभी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी। सभी अमेजोन पर इजीली अवेलेबल हैं एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। सो यहाँ पर मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा मेकअप लुक तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मैंने पीछे थोड़ा सा बन बनाया है, आगे थोड़ा सा हेयर स्टाइल किया है, पफ बनाया है बीच की सेंटर की मांग करके, ताकि अच्छा सा महाराष्ट्रियन लुक मुझे मिले। सो पीछे बन बनाया है और मैंने थोड़ा एक गजरा भी लगाया है, ये एसेसरी लगाई है, हेयर एसेसरी आप देख सकते हैं। एंड आई मेकअप भी बहुत ही सटल सा है, बहुत ईजी है। सो कैसा लगा है आपको मेरा मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताएँ, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।